सारे पत्रकार साथियों नूं सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं सारे ठीक होंगे तो अपना ध्यान रख रहे होंगे। अज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो मकसद ने। सब तो पहला साढ़े चार साल की नाकाम पंजाब सरकार के बारे गल करनी, तो दूसरा मकसद कुछ नवे साथी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है। मेरे हाथ में इस टाइम पंजाब कांग्रेस का मैनीफेस्टो है। लगभग 125 तो वध पेजा का यह मैनीफेस्टो हैगा, जिदे विच मैं लगता है चोण जितने तो बाद कांग्रेस पार्टी ने भी इस मैनीफेस्टो नूं पढ़ के नहीं वेख्या होना। इहदे च बेहिसाब वादे किए गए। उन्हां वादियां विच सब तो पहला जे गल करिए तो चार हफ्तों नशे का लक भन्न वाला वादा, कैप्टन साहब के नौ नुक्ते, माइनिंग खत्म कर देंगे, बिजली सस्ती दर से इंडस्ट्री भी कमिटमेंट की गई। एग्जैक्टली जो दसा तो 26 नंबर पेज से तुम पढ़ सकते हो, बड़ा वड्डा वादा किया गया 26 नंबर पेज से कि 5 रुपए यूनिट इंडस्ट्री को बत्ती दी जाएगी, जबकि 5 रुपए यूनिट की थान से बत्ती के रेट होर बढ़ाते गए। इस तरीके की बेहिसाब नाकामिया कि सिर्फ वादे करके तो भज जाना। नौ नुक्त्या की थान तो मुझे लगता कैप्टन साहब ने सिर्फ दो चीज़ा याद रह गई, एक चीकू तो एक सीता फल, उस तो अलावा होर कुछ याद नहीं रह गया अज की डेट। तो अज हिसाब मंगने का टाइम आ गया। मुझे लगता पंजाब के हर बंदे एक बार मैनीफेस्टो लैके पंजाब के कांग्रेस के लीडर मुख्यमंत्री पूछना चाहिए कि इस मैनीफेस्टो पर भरोसा करके असी तो वोट दी, चंगी मजोरिटी थोड़ी सरकार बनवाई, तो हालात की ने अच पंजाब के। अज भी जो काम अकालिया की सरकार वेले भावें माइनिंग का कह लो भावें नशे का कह लो, तो मैं तो सब तो वड्डी गल कहना कि जो बंदे बेअदबी कांड दे, जो बंदे श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के दोषियों रल गए उन्होंने सज़ा नहीं दवा सकते, उन्होंने तो होर कोई आस भी नहीं की जा सकती। इस मामले पर कहने को बहुत कुछ है, तो साढ़े आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान भगवंत मान जी पहले डिटेल भी तो सारी गल्ला दसणगे, उस तो बाद सवाल जवाब करांगे। भगवंत मान जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जरनैल सिंह जी, साड़ी सारी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप और चंडीगढ़ की प्रेस तुहाडे राही बहुत पंजाब के मसले जिहड़े ने वो असीं जनतक करते रहने, धन्यवाद करते हैं। इहदे जिस तरह जरनैल सिंह जी ने कहा, यह जिहड़ी सरकार है साढ़े चार साल जिहड़ी चाहुंदा है पंजाब, कैप्टन दी सरकार दा नारा दे के आई सी, तो इन्हें अज पछताउंदा है पंजाब लिया के कैप्टन दी सरकार दे नारे च बदलता। जिस वेले आपां गल कर रहे हां, तुसीं सारे सीनियर जर्नलिस्ट हो, तुसीं हर रोज़ पंजाब दी राजनीति दी कली कली गल नूं कवर करदे हो, भरोसेयोग सूत्रां दीआं भी खबरां तुहाडे जरिए लगदियां ने कि आह हो सकदा आह चल रहा है। इस वक्त जिस वेले आपां गल कर रहे हां, पंजाब सरकार कित्थे है जी? सारी पंजाब सरकार दिल्ली बैठी है, अपनी हाई कमांड दे बुलावे ते उन्हां दिल्ली बैठे ने। मैनू बड़ी खुशी हुंदी जे पंजाब सरकार दिल्ली जांदी किसानां दे मसलियां दा हल कराउण वास्ते। 6 महीनियां तों किसान जिहड़े ने वो बैठे ने, अज 45 तो 48 डिग्री टैंपरेचर च बैठे ने, ते जदों गए सी नवंबर दसंबर जनवरी उन्होंने 5 डिग्री टैंपरेचर भी उत्थे झल्लिया ठंड। मैनू बड़ी खुशी हुंदी जे यही कैबिनेट मंत्री ते यही विधायक जिहड़े ने, यही प्रधान कांग्रेस दे राहुल गांधी कोल जां सोनिया गांधी जी कोल जांदे कि आपां मोदी जी तो टाइम लैके किसानां दा मसला हल कराइए, पर नहीं, वो दिल्ली गए सिर्फ अपनियां कुर्सियां बचाउण वास्ते जां नवीं कुर्सियां डाउण वास्ते। मैनू आ दे दिओ, मैनू आ दे दिओ, मैथों आ लैके वह दे दिओ, मेरे नाल इन्ने बंदे ने, मेरे नाल इन्ने बंदे। मैनू बड़ी खुशी हुंदी जे पंजाब सरकार अज दिल्ली जांदी, कोरोना की
जिहड़ी महामारी है उहदे वास्ते वैक्सीनेशन का प्रबंध करन वास्ते उहदे वास्ते आईसीयू दे बैड 17 जिले च कोई बैड है नहीं, वह बैडा का प्रबंध करन वास्ते वेंटीलेटर लैण वास्ते ताकि सेंटर सरकार ते दबाव बनाया जा सके कि पंजाब दे लोक जिहड़े ने इस वक्त जिहड़ी सब तो वध डैथ रेट पंजाब दा है जे कोरोना की महामारी तो लोगों नूं बचाउण वास्ते सरकार दिल्ली जांदी तां मैनूं बड़ी खुशी हुंदी, पर नहीं गए। वह गए ने अपनी कुर्सियां बचाउण वास्ते, नवीं कुर्सियां ढाउण वास्ते। कैप्टन साहब कहिंदे हुण वीरवार ते शुक्रवार नूं जाणगे। सो पंजाब सरकार ने पंजाब नूं इस वक्त लावारिस छड दित्ता है, लोगों का कोई बाली वारस नहीं। कैप्टन साहब कह रहे ने जिहड़ा पिंड 100% वैक्सीनेशन करा लूगा मैं 10 लाख रुपये नूं ग्रांट दूंगा। मैं कैप्टन साहब तो पूछना चाहुंना, सर वो टीके मिलते कितों ने? वो घरें बना लैन टीके लोग? टीके तो सरकारी अस्पताल च भी है नहीं, प्राइवेट दे विच लोग जा नहीं सकते। प्राइवेट तो सिर्फ दो ही ने, मैक्स ते फोर्टीज, वो तो लोगों की पहुँच तो बाहर ने, आम लोगों की पहुँच तो पिंडा वाले तो। फिर तुसी डाक्टर उत्थे नहीं दिंदे, डिस्पेंसरियां नूं जिंदे लगे पए ने, ते तुसी कहने हो कोरोना नूं हटाउण वास्ते ठीकरी पैरे ला लो जी। इस तो नाकाम, इस तो नखिद मुख्यमंत्री नहीं देखिया कदे। खुद महलां च बैठे ने, सरकार मंत्री 8 मंत्री 25 विधायक उत्थे बैठे ने। दिल्ली काटो कलेश चल रहा है, ये अज तो नहीं, होर कोई खबर ही नहीं आती पंजाब च। हुण खबर ये आती है अज इहदे घरे इन्ने कट्ठे होए, अज उहदे घरे इन्ने सी, अज इहदे घरे इन्ने सी, की करते जी वो? साडे सेहत मंत्री साहब मोहाली दे आले दुआले जिहड़े छोटे छोटे पिंड ने उन्हां दी एक निजी चैनल ने चलाई सी वीडियो, मेरा भी उह च वर्जन सी कि वह मोहाली दे आले दुआले जिहड़े डिस्पेंसरियां ने वह बंद पईआं ने। सेहत मंत्री दा आपदा हलका है। सो लोग जिहड़े ने तराई तराई कर रहे ने, किसान जिहड़े ने वो महलां दा घराओ कर रखे है, मुलाजम जिहड़े ने वह हड़ताल ते ने, टैंकियां ते चढ़ के अपने आप नूं अग्गां ला रहे लोग, किसी नूं तनखाह नहीं मिल रही। और जिहड़े वादे कीते सी, हुण पिछले दिन ही एक लॉलीपॉप दिता बिजली का, कि जी बहुत वड्डी राहत देती पंजाब सरकार ने, 4.5 साल च लगभग 10 बार बिजली दे रेट वधा के, ते बिजली दे रेट नूं इंडिया दे विच सब तो वध लै गए 10 रुपए पर यूनिट ते, ते उस तो बाद कहिंदे 50 पैसे कटाती। ये कहिड़ी राहत है जी, 10 रुपए वधा के 50 पैसे कटाती, वह भी 4 महीने वास्ते, क्योंकि जून तो कहिंदे लागू होगा, 3 बिल ही आउणगे, उस तो पहले तो लग जूगा, कोड लग जूगा। तो जे घटाउणी सी, जे बिजली दे रेट करने ना, दिल्ली की सरकार तो सीख लो। दिल्ली की सरकार ने जिहड़ा स्लैब बनाया होया, 1 महीने बाद बिल आउंदा, इत्थे 2 बाद या 3 बाद भी आउंदा, उहदे नाल जिहड़ा यूनिट्स का वह वध जांदा गिणती, वह किसी होर स्लैब चले जाते हैं आम लोग भी। यह लॉलीपॉप है। एक होर उहदे विच पॉइंट है, शायद घट्ट बंदा नोट किया हो, कि ट्यूबवैलों नूं जिहड़ी खेतों के ट्यूबवैलों नूं बिजली है वह 1.5 रुपया यूनिट वधाती। तो लोग हैरान ने, मेरे को भी फोन आए ने कि ट्यूबवैलों नूं तो बिजली मुफ्त है जी, तो वह किवें वधाती? मैं कहा जी मुफ्त तो लोगों हैगी है ना, सरकार नूं तो पैसे देने पैंदे है ना, बिजली बोर्ड नूं, पावरकॉम नूं 5000 करोड़ के नेड़े तेड़े सबसिडी जिहड़ी है, यानी कि सबसिडी हुण वध देनी पऊगी क्योंकि रेट वधाता। तो फिर वह पैसा कित्थों आऊगा? कैप्टन साहब अपने घरें छापदे ने नोट, वह भी लोगों च आउणगे। 50 पैसे घटा के 2.5 रुपया उधरों वधा लिया। लोगों यह इन्ने कमले इन्ने मूर्ख समझते हैं कि असी कुछ भी कर दिए बस वो मनना पऊगा लोगों। फिर नौकरियों की गल, घर घर नौकरी देने की गल की सी, सेहत महकमे चो नौकरियां कटती। अब पिछे चीमा साहब ने पीसी भी की सी, किन्नियां असामियां खत्म करती, ते नौकरी देने की गल करने, नौकरियां खो रहे ने। सो पूरी तरह नाकाम साबित हुई है सरकार। और इस महामारी के मौके किमें पंजाब दे विच अफसर आपोतापी चल रही है, कितने पुलिस वाले जिहड़े ने
सब्जी वाले की रेहड़ी लत्त मार रहे ने, कितने पुलिस वाले आंडे चक रहे ने, कितने पुलिस वाले वैसी मोटरसाइकिल ते जांदे नूं कुट रहे ने। ठीक है जी, तो कोई किसी का कंट्रोल है नहीं। ब्लैक फंगस भी पहुँच गया पर कोई किसी का किसी की दवाई है नहीं। लोग सरकारी हस्पतालों जाने डरते ने, तो प्राइवेट हस्पताल जिहड़े ने ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿੱਲੇ ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ 25-25 ਲੱਖ ਦੇ 30-30 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ, ਔਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ 'ਚ, ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਕੀਲ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ ਨੌਨ ਏ ਸੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਏ ਸੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤ। ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 1000 ਬੱਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹ 'ਚ ਕਰ ਦਿਉ ਫ੍ਰੀ, ਟਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ। ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਢੋਣ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਰਾ ਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2022 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 1-2 ਜੁਆਇਨਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੌਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦਿਊਂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ, 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਤੇ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਸਟੇਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ? ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪੂਤਨਿਕ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ
आपके भारत छड़ती हैं। बिल्कुल उदा ही डीजल तो पेट्रोल है, 100 तो उपर चला गया पेट्रोल, हर रोज 15-20 पैसे बढ़ जाता है। किसी की है ये हिम्मत के कह सके यही यही बीजेपी सरकार है जिहड़ी कहिंदी सी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो हुण नॉट ओनली पेट्रोल, सरों का तेल का देख लो की हाल है, नॉट ओनली सरों का तेल, सिलेंडर का देख लो की हाल है। सो ये जिहड़े फिरका प्रस्ती ते नफरत की राजनीति दे विच लगे रहे ते देश दा आर्थिक ढांचा जिहड़ा वह बिल्कुल उद्योगपतियों के हाथ चला गया। देखो ये तो पहला एक गल निबड़ जानी चाहिए सी, देश का अन्नदाता है वो 6 महीनों तो बजुर्गों समेत मावां भैणां समेत बच्चों समेत उत्थे बैठे, हुण तो इन्हां नूं पता लग गया होना ना बीजेपी के मंत्रियों नूं कि वह पिकनिक मनाउण नहीं गए उत्थे, 400 के लगभग तो उत्थे मौतें हो चुकियां ने, एक कोई 45 डिग्री 50 डिग्री टैंपरेचर पिकनिक मनाउंदा हुंदा, उन्हां दीआं मंगां मान लेणियां चाहीदियां ने। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने, मैं भी लैटर लिखा कि देश का अन्नदाता है, देश की रीढ़ की हड्डी है, इस करके वो बैठे ने तो उन्होंने गल करो, वो कोरोना की एक महामारी दौरान अपनी जान खतरे च पा के बैठे ने। तो मैं तो कहना कि इतों पहल ये गल खत्म हो जानी चाहिए सी, मोदी जी तो अमित शाह इनिशिएटिव लेना चाहिए, होर किसी न तो कम कर नहीं देंगे। देखो जी एक पास जो मुख्यमंत्री हरियाणा या इन्हों के मंत्री जोड़े ने केंद्र जो कहें कि कोरोना फैलने सब तो व्डा अंदोलन है, तो दूजे पास कहने अं सैनिटाइजर थोड़े पिंड देवे मास्क देवे, तो लोगों का जो गुस्सा है वह तो निकल ही रहा, जिते भी गए थे वो लोगों ने उन्होंने विरोध किया इस गल का भी, हालांकि ये कोई पोलीटिकल एक्टिविटी नहीं हैगी, पर कहते नहीं जे तुसी बीजेपी वालों आए हो तो असी तुहानू तुहाडे तों इह लैणे नहीं, इत्थों तुसी समझ सकते हो कि लोग इन्हां प्रति किन्नी नफरत कर लगे। देखो पंजाब दे विच कदे भी जातिवाद के आधार पर कोई इदां दा कदे फिरकू अपने ते कोई वोटां नहीं लड़ गए, बीजेपी हमेशा यही काम करती है, इन्ने जाट ने इन्ने इन्ने हिंदू ने इन्हू पोलराइज कर दो, इन्हू पोलराइज कर लो, इन्ने SC ने BC ने। देखो पंजाब जिहड़ा वो भाईचारक सांझ का एक प्रतीक है पूरे मुल्क च पूरे देश च, ठीक है ना। सो आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब की सैकूलर पार्टी है, असी किसी धर्म या जात के आधार पर नहीं काम करते, असी पंजाब नू उहजा मुख्यमंत्री देवांगे जिहड़ा पंजाब के सारे वर्गों की गल करे, सारे वर्गों के भले बारे सोचे, ना कि यह कि मैनू बना दो जी, उन्हू बना दो जी, इनू बना दो जी, ये तो जो मर्जी कही जाने, तो कह ये तो अकाली दल तो यह भी कह सकता है कि प्रधानमंत्री असी साडा जिहड़ा होगा वो अगला अकाली दल का होगा, जो आने ही नहीं है जी, एक मैं आप नहीं कह सकता, ये मैं आप नहीं कह सकता, असी करना मेहनत, असी किसी अहदे की दौड़ च नहीं है, असी किसी कुर्सी की दौड़ च नहीं है कांग्रसियों वांगू कि हुण मैं खिचूंगा एक पापा उन्हें फड़ लिया उन्हें फड़ लिया, साडी पार्टी वालों जिहदा भी नाम डिसाइड होगा उहदे नाल असी चलांगे रल के लड़ांगे, साडे लई लड़ाई पंजाब की है ना कि किसी कुर्सी की। देखो खट्टर साहब का बड़ा हासोहीन बयान है, इतों पता लग जाता इन्हों की मानसिकता का, कहते जी अगे साडे को भी 2 लाख है, उन्होंने को भी 2 लाख है, साडे को 2 लाख है जी चलूगी, असं तो 20-30 हज़ार हर रोज़ लाने, केजरीवाल कहते दिन रात लाए जाता टीके तो उन्हें मुका ली कहते छेती, कमाल है, मतलब साडे लिए वैक्सीन बचाना जरूरी है या जान बचाना जरूरी है। आम आदमी पार्टी सरकार है दिल्ली च, केजरीवाल साहब ने एक गल कही है कि साडे लिए लोगों की जान बचाना जरूरी है जिनी छेती हो सके, ना कि टीके जिन्ने घट लाओ ताकि 5-7 दिन अपनी वैक्सीन चलती रहे, ईवेंट बनता रहे कि हरियाणे च लग रहे हैं टीके, ये उन्हों की मानसिकता दसदी है कि वह किन्ने क जिहड़े ने सीरीयस ने इस कोरोना प्रति। असी सारे जिन्हें भी ज्वाइनिंग वाले आते ने मित्र साढ़े
उन्होंने एक स्पैशली कहने कि एक जां दो जां बंदे जिहड़े वो आउणगे अगे जे कोई सपोर्टर ने तुहाडे वो बाहर खड़ जाणगे जे उन्होंने कोई मेरे नाल फोटो खिचाउणी हुंदी है वी तुसीं दो दो तीन तीन दी उहदे विच फोटो करा लिओ कई वारी उन्हां नूं हुंदा कि हाँ असीं वी नाल सीगे सो असीं हर संभव साडी कोशिश है कि असीं करोना दे इस पीरियड दौरान क्योंकि असीं रोल मॉडल हाँ तो सानू लोग देख रहे हैं कि ये की कर रहे पिछले दो महीनों तो लगभग दो महीनों तुम कोई साड़ी रैली या कोई साड़ी कोई भगवंत मान की कोई ऐसी एक्टिविटी देखी हो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जावा लोग इकट्ठे हो जाए तो मैं उन्होंने सारे की जान खतरे च पा दा जा उन्होंने परचे हो जाए साढ़े किसी उसते तो इधर दूजे पास तुम देखा होना सुखबीर बादल जी रोज़ श्रोमणी कमेटी के जोड़े कोविड सेंटर ने हालांकि वह आपते नहीं है उन्होंने श्रोमणी कमेटी के कोविड सेंटर के फिरते होंगे सो असी कोशिश यही करते हों कि ज्वाइनिंग वेले घट्टो घट घट तो घट लोग जोड़े ने जोड़े वो उन्होंने जथे च हो देखो बस सारे जानते हैं पिछले दो महीने कल पंजाब ने नहीं कल भारत ने नहीं पूरी दुनिया जी कोविड की फिर तो यह बेवाई है वो करके सब तो पहली कोशिश आई है भी कोविड के इस खतरे तो इंसानियत को बचाया जाए उस करके चीज़ा थोड़ी स्लो हो गई हैं बाकी सबन पता अगले साल इलेक्शन है सही टाइम आने आप सारी चीज़ें डिकलेयर करा देखो जो फैक्ट है मैं वो दस्या तुम सरकारी लो गैर सरकारी लो पोलीटिकल तौर पर लो जो फैक्ट है वो मैं तुम्हें दस दिता एक तो तुम उन्होंने पूछ सकते हो पर वैसे एक पार्टी वालों वो एम एल ए ने एक पार्टी वालों वो एक चोन निशान से वो बठिंडे तो लड़ चुके ने ते हुण वो तीजे चोन निशान वाल चले ने तो मैं तो बस यही कहूँगा कि वो साढ़े नाल जिहड़ी उन्हां दी पार्टी नाल शिकवा सी कि खुद मुख्तियारी चाहिए है पंजाब नूं फैसले दिल्ली तो क्यों होंदे ने हुण शायद उन्होंने कांग्रेस जाने तो बाद राहुल गांधी सोनिया गांधी तो प्रियंका गांधी भलत आ के फैसले कराया करेंगे शायद यही उम्मीद कर सकते हैं उन्होंने खुद मुख्तारी मिल गई होनी तो बाकी यही कहूँगा जी कि कुछ लोग होंगे ने जोड़े दूजिया के मोटरसाइकिल वर्ग होंगे ने उन्होंने कोई स्टैंड नहीं होंगे उस मोटरसाइकिल का जिधर टेढ़े कर दो उधर खड़ जाते साढ़े हाँ जी हाँ जी साढ़े सारे एम एल ए जड़े ने पहले ही ने जी दो जने मौड़ तो भदौड़ तो दो एम एल ए जड़े ने उन्होंने नाल ही ने बाकी संदोहा साहब वापस आ गए सी रायकोट तो जोड़े साढ़े विधायक से वह वापस आ गए सी आपस लड़ी जाने असी तो की कर सकते हैं देखो ये सानू बड़ा कहिंदे सी देखो वक्त वक्त की गल है अकाली दल ते कांग्रेस बड़े जोर नाल प्रचार करते सी झाड़ू तीला तीला हो गया जी झाड़ू तीला तीला हो गया झाड़ू तो सफाई करी जाता हजे भी पर पंजा पोटे पोटे हो गया तो तकड़ी टोटे टोटे हो गई तकड़ी के किन्ने टोटे हो गए तुम गिन लो ठीक है जी पंजे के किन्ने टोटे हो गया दो चार दिन पता लगा नहीं फिर अंग्रेजा के समय नहर भी बनिया बहुत सारिया देखो पता की है जी हर जिहड़ी विज्ञान की हर पद्धति एलोपैथी का अपना मुकाम है आयुर्वेद साडा बहुत पुराना है जी होम्योपैथी भी साडी इत्थे मशहूर है होर तरह के वैद इलाज साडे भी करदे ने अज भी पिंडां च अज भी हैगे ने मशहूर के सप्प दे कट्टे दा इलाज वो कोई होर मणका ला के जां कोई कर लैंदे ने पर यह थोड़ी कि अंग्रेजां दे जमाने की कोई चीज़ हैगी है तो उन्होंने भंग कर दो फिर सारिया रेलवे लाइना तोड़ दिए फिर सारिया नहरां भननिया पैणगियां सारे नहरां दे पुल सारे अंग्रेजां दे जमाने दे ने ठीक है ना सो इस करके राष्ट्रपति भवन अंग्रेजां दे जमाने दा तो की तुम अंग्रेजा के जमाने का तोड़ोगे सो ये तो इदा दल नहीं करनिया चाहिए जे साडे जमाने के कोई नव बनाने की बजाय उन्होंने तोड़न की कि गल मैं देखा से डॉक्टर लेले ने कहा जो कि अपनी दवाई बेचो ना कि दूजे की निंदा करो
एक प्रोडक्ट की तारीफ कर लो आपके प्रोडक्ट की, दूजे की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो जिदी जिदी भी जानकारी होगी वो तुहाडे सामने प्रेस दे विच आ जाणगे। अज समराले तो खीरनिया जी ज्वाइन कर रहे ने ते बाकी आने वाले दिनों च होर जिहड़े भी उन्हां तों तंग हो के जां उन्हां दे कामकार तो तंग होके आ रहे ने वेलकम है और पंजाब की सेवा लिए आ रहे ने, कोई बिना शर्त आ रहे ने ते पार्टी च काम करने तैयार ने, तो कांग्रेस चो भी आ रहे ने। साढ़े नाल अजे ना हाईकमान नाल ना पंजाब नाल अजे तक कोई किसी का संपर्क नहीं है, जो भी होया तो असी तो तुहाडे सामने आके गल करांगे। असी तां कोई अकाली दल टकसाली नाल उन्होंने अपनी पार्टी उन्होंने अपने पैसे अजे तक कोई इलेक्शन भी नहीं लड़े ना। मैं तुम दसा कि साढ़े नाल तो कोई इस तरह का हो नहीं है, बल्कि सिद्धू जी ने भी कहता सीगा कि साबित करो कि मैं कितने मिला हूँ, तो इदा दिया गल्लां तो शायद वो ध्यान भड़काउण नूं गल्लां करदे हन। एक अद्धा झूठ बोले उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री का मतलब भी इत्थे तां झूठ बोलना था इन्होंने की झूठ बोलिया, चीकू ते सीताफल तो बिना होर सारा कुछ झूठ ही। अज ज्वाइन कर एक मिनट, हुण मैं बेनती करांगा ਸਰ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਖੀਰਨੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਏ ਸੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਰਹੇ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ, ਮਾਰਕ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੈਂਕ ਦੇ 1988 ਤੋਂ 2003 ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੀਰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਜਮੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਕਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਖੀਰਨੀਆ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਯੂਥ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੀਰਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਖੀਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਊਥ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ
सारा बहुत बहुत उन्होंने साथियों का भी मैं स्वागत करदा। उम्मीद करते हैं कि पार्टी जिहड़ी भी जिम्मेवारी तुहानूं देगी तो तुसीं तनदेही नाल निभाओगे ताकि आपां इस पंजाब नूं दुबारे पंजाब बना सकीए। बाकी सारे मीडिया वालों का तुसीं काफ़ी देर तो इत्थे आए हो, कोशिश असीं करदे हुंदे आ कि लेट ना होवे, दो चार मिनट इधर उधर हो ही जाते, वो माफ़ी चाहते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, खास तौर पर मीडिया वाले साथियों का, कोई असुविधा हुई होवे उहदे वास्ते माफ़ी चाहते हैं। खीरिया साहब ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, MLA ਸਾਹਿਬ और साढ़े आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रधान भगवंत मान जी, मैंबर पार्लीमेंट चंद सिंह वारसर जी और साढ़े सत्कारयोग सीनियर लीडरशिप और सामने मेरे सत्कारयोग प्रेस मीडिया तो आए सत्कारयोग साडा परिवार और साढ़े सवराले हल्के तो बड़ी गिनती दे विच आए हुए सारे वर्कर साहबान, अहदेदार साहबान, सारे नूं फतेह करांदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अज जिथे श्रोमणी अकाली दल तां मैं तकरीबन 27 तरीक नूं मुढ़ली मैंबरशिप तो उहदे तो सारे तो अस्तीफा दे दिता सी, वड्डी गिणती जो साढ़े सारे साथियों ने, लेकिन मैं ये अज ही नहीं शामिल हो रहा। मैं तकरीबन 9-10 महीनों तो साड़ी जिहड़ी परिवार दे नाल एक परिवारक रिश्ते वांग गलबात चल रही सी, लेकिन करोना महामारी कारण ये जिहड़ा सुभागा समा अज प्राप्त होया। सो मैं अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का, भाई जरनैल जी उन्हां दा, बासर साहब का और सारे साथियों का, जिन्हां की प्रेरणा सदका मैं अज आम आदमी पार्टी के शामिल होया। और मैं जिथे भी साड़ी सीनियर लीडरशिप बैठी आ, जिथे भी मेरी ड्यूटी लाऊगी उन्होंने पूरी तनदेही दे नाल इमानदारी दे नाल जिस तरह पहला सेवा करते रहे उस तो भी वध जिहड़ी इस पार्टी के विच असी सेवा करांगे। जिथे भी कितने भी कोई पोस्टर लाने की ड्यूटी आ, कितने कोई संयोग जिहड़ा साडा जथेबंद ढांचा उन्होंने मजबूत करन की गल आ, पिंड पिंड कमेटियां बनाउण की गल आ, सारियां मैं अपनी जिम्मेवारी इमानदारी ते तनदेही दे नाल निभाऊंगा। तो मैं दोबारा फिर तुहाडा समुची संगत का, प्रेस मीडिया का, सारे का दिलों धन्यवाद करदा और फतेह बुलाउंदा। वाहेगुरू जी का खालसा।